देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, आई स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पत्थर को जो है 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के सिरे से बांध दिया गया है, ठीक है, इज रील्ड और उसे घुमाया जाता है इस तरह से। इन्हें हॉरिजॉन्टल सर्किल के रूप में इसे घुमाया जाता है विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, और इसकी स्पीड जो है कॉन्स्टेंट है। इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, और ये 25 सेकेंड में 14 चक्कर लगाता है, 14 रिवोल्यूशन लगाता है, तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो स्टोन की एक्सेलरेशन क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो है 80 सेंटीमीटर लंबी हमारी जो है ये कोई स्ट्रिंग है, मतलब धागा है, इसकी लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो ये तो हो जाएगी हमारी रेडियस, ठीक है, ये हो गया सेंटर, और इसके एक सिरे पर जो है हमने एक पत्थर बांध लिया और इसको जो है चारों तरफ को इस तरह से घुमाया जाता है, ठीक है, ये इस तरह से घुमाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गई, पत्थर कभी इधर घूमेगा, कभी यहाँ पर आएगा, कभी पत्थर यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गई। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ को होती है, और जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन सीधी होती है। तो ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम ओमेगा से शो करते हैं, और ये हो गया एक्सेलरेशन जो उसके सेंटर की तरफ को है। अब हमें क्या दे रखा है, ये 80 सेंटीमीटर क्या हो गया, यहाँ पर रेडियस हो गई हमारी 80 सेंटीमीटर, रेडियस 80 सेंटीमीटर हो गई। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 80/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 0.8 मीटर सेकेंड में, 25 सेकेंड में ये 14 चक्कर काटता है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे इसकी, फ्रीक्वेंसी को हम एन से शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगी हमारी एन इक्वल टू कितनी हो जाएगी, कितने चक्कर काटता है 14, और कितने सेकेंड में 25 सेकेंड में, तो एक सेकंड में जितने चक्कर काटता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ठीक है, एन की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2π n, ठीक है, 2 × π की वैल्यू हमारी 22/7 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी 14/25, ठीक है, 7 से ये कैंसिल कर लिया, 7 × 2 = 14, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 × 2 = 44, 44 × 2 = 88, अब ये हमारा हो गया 88/25, ये हमारी हो गई एंगुलर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जबकि हमें क्या निकालना है, हमें तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, वो होता है a इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर r, मोमेंटम होता है हमारा a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 88/25 का स्क्वायर इंटू r, r की वैल्यू हमारी कितनी है 0.8। अब क्या करेंगे, इसे 88 इसे दो बार लिख लेंगे, 88/25 × 88/25 × 0.8। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ही थोड़ी भारी है इसकी, तो आप समझ लीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5, 3 × 5 = 6 = 30, 0.16 बार ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से और कैंसिल कर लेते हैं इसको, 0. टेबल ना रीड होने का 0, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, ठीक है, ये आ गया हमारा 0.32 बार कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, हम 88 को 25 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 88 को 25 से डिवाइड, अब 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75, 3 × 1 = 13 हो गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 25 × 5 = 125, 5 × 2 = 2 गया 0, 1 × 1 बन गया 0, ठीक है, 1 0 बढ़ा लिया, 25 × 2 = 50, तो ये 25 से इसे डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा, जब 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 3.52 मल्टीप्लाई
3.52 मल्टीप्लाई 88 और मल्टीप्लाई ये 0.032। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई समझिए, 3.52 की 88 से करेंगे, 3.52 किससे मल्टीप्लाई करनी है, 88 से, 3.52 की 88 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो 8 2 16, 1 कैरी, 8 5 40 और 141, 8 3 24 और 428। दूसरे वाली 8 से करेंगे तो सेम आ जाएगी, इसे जोड़ देंगे 6 6 1 7 8 1 9, 8 2 10 3 आफ्टर टू प्लेस डेसिमल, इतना आ गया। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आया 0.032 से, 0.032 से। अब इसकी जो मल्टीप्लाई हमें करनी है 0.032 से, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई मेन है, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 9 18 और 1 19, 2 3 6, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 3 9 27 और 2 कितना हो गया 29, 3 3 9, डबल क्रॉस। जीरो का कुछ लगाना ही नहीं है, चाहो तो 0 0 0 0 0, 2 8 5 13, 9 और 1 10 और 2 12, 9 और 1 10 और 1 11, 6 2 8 और 1 9 9। अब आफ्टर 2 के बाद इसके डेसिमल है, 3 के बाद इसके, 3 और 2 5, आफ्टर 5 प्लस डेसिमल 3 4 5, तो ये आ गया हमारा 9.91232। तो ये आंसर जो आ गया हमारा 9.91232, इसको मैं अप्रोक्सीमेट में अगर लूँ तो इसे हम खाली 9.9 ले सकते हैं, आगे की डिजिट छोड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, कितना आ गया 9.9, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा हमारे, इस क्वेश्चन को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।